आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। इस वर्ष मक्के की कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP से बढ़कर 768 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। गुजरात के राजकोट जिले की धोराजी मंडी में 20 जून को मक्के का भाव 2730 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। रवि सीजन के लिए देश का सबसे बड़ा मक्के का बाजार गुलाब बाग जो कि बिहार में है, यहां इसका भाव साप्ताहिक आधार पर 0.5% की तेजी के साथ 2231 रुपये प्रति क्विंटल पर कारोबार कर रहे थे। वहीं खरीफ की कम बुआई और दैनिक आवक में कमी से कीमतों को समर्थन मिल रहा है। वहीं महाराष्ट्र की सांगली मंडी में मक्के की कीमत 2604 रुपये तो तमिलनाडु की इरोड मंडी में 2525 रुपये और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में ये 2228 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि 2022-23 के लिए इसका MSP 1962 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। वहीं बाजार के जानकारों का कहना है कि कीमतों में बढ़ोतरी उत्पादन में कमी की वजह से हुई है। भारत ने 2021-22 में 33 मिलियन मीट्रिक टन यानी कि MMT का मक्का उत्पादन किया है, जबकि 2022-23 में केवल 31.5 MMT रहने का यह अनुमान है। भारत में मक्के का विपणन वर्ष अक्टूबर से सितंबर तक होता है। इतना ही नहीं, कई देशों में इसके उत्पादन में कमी आई है जिससे इसकी कीमतों पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है। वहीं बिहार प्रमुख मक्का उत्पादक राज्यों में से एक है। 1 अप्रैल से 20 जून तक मंडियों में कुल 45.53 लाख बोरी नई फसल का पंजीकरण किया गया है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के अनुसार भारत, यूक्रेन, चीन, यूरोपीय संघ और अमेरिका में मक्के का उत्पादन इस साल घटाने की उम्मीद है। वैश्विक इस उत्पादन में 2.5% की कमी आ सकती है, इसलिए कीमत में इजाफा किया जा रहा है। भारत में इसके उछाल की एक और वजह बताई गई है। वहीं आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2021 से अप्रैल 2022 के दौरान भारत का मक्का निर्यात 31.86 लाख मीट्रिक टन था, जो वार्षिक आधार पर 1% अधिक था। वर्ष 2021-22 में इन देशों में उत्पादन 1216.1 MMT था, जिसके 2022-23 में घटकर ये 1180.8 MMT होने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट के अनुसार खरीफ सीजन में मक्के की बुआई 17 जून तक सालाना आधार पर 5.93% पिछड़ी हुई है। 17 जून तक 4.96 लाख हेक्टेयर में खरीफ मक्के की बुआई हो चुकी है। वहीं कर्नाटक में मक्के की खेती 2.03 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई है, जो सालाना आधार पर 4% कम है। वहीं उत्तर प्रदेश में 1.23 लाख हेक्टेयर में मक्के बोया गया है, जो सालाना आधार पर 1.4% कम है। इस बीच मॉनसून की प्रगति में सुधार के साथ आने वाले हफ्तों में मक्के की बुआई की गति में सुधार की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।